था ना कि जी मिस क्या बताया था? नॉमिनेटिव वैल्यू, सर ने कहा था नॉमिनेटिव वैल्यू और डिनोमिनेटिव वैल्यू में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए को अपने। रिलेशनशिप, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस सर। उनमें रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा मिस सवेरा, और इसकी लॉजिक पता है क्या होती है कि अगर आपने दो चीजों को कंपैरिजन करना हो ना, तो उसका एक बुनियादी रूल होता है। बुनियादी रूल क्या होता है कि जो ऊपर आप न्यूमिरेटर में रख रहे हैं ना, जो चीज रख रहे हैं डिनोमिनेटर से ना कोई इसका, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इससे कोई ना कोई इसका क्या होना लिंक्ड होना चाहिए, चाहिए, लिंक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंक। कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, तब ये कंपैरिजन जो है ना वो वैलिड होता है, राइट? तब ये क्या होता है, कंपैरिजन वैलिड होता है। मिसाल के तौर नहीं पे आपने मिस रेशियोज पढ़ी हुई, रेशियो एनालिसिस? सर, अभी स्टार्ट किया है। एक दो कोई रेशियोज पढ़ी, आरओसी पढ़ा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहली नो रेशियो है, सर, कौन सी पढ़ी है? कोई पढ़ी है या कोई पड़ी है करंट क्विक रेशियो पढ़ी है? रेशियो करंट के। रेशियो पढ़ी है, वो तो थोड़ी सी उसमें और टेक्निकलिटी। कोई आरओसी जब आप पढ़ेंगे अपनी क्लास में, तो उसमें क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल, आरओसी, ये कैसे कंप्यूट करते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करते हैं, डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपने इस तरह से क्यों कंपेयर किया है, डेट को नीचे रखे है और इक्विटी को नीचे रखे है और पीबीआईटी को ऊपर रखे है, इससे आरओसी क्यों निकाला आपने, ऐसे क्यों नहीं निकाला? आरओसी इज इक्वल टू प्रॉफिट पीबीटी क्यों नहीं रखा, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों नहीं रखा, राइट? और नीचे इक्विटी क्यों नहीं रखा, या डेट प्लस इक्विटी क्यों नहीं रखा आपने, इस तरह की कोई ये आपने कंपैरिजन क्यों नहीं किया? बात समझ आई? तो यहाँ पर यस सर। मैंने जब इनको पढ़ाया था, तो मैंने इनको बताया था कि ये कंपैरिजन यानी जब रेशो तब वैलिड होती है जब जो नीचे वाली चीज़ है ना इसका रिटर्न ऊपर शामिल हो। अब मिसाल के तौर पे आप फाइनेंशियल कैसे बनाते हैं, आप बनाते हैं सेल्स, इसमें से लेस करते कॉस्ट ऑफ सेल, नीचे आ जाता है जीपी, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये आपको रेशो एनालिसिस में, ये अगर आप ये लोग, ये आप सारे लोग रिवाइज समझ लेना इसे, तो पूरी जिंदगी आपको कोई रेशो निकालते हुए मसला नहीं होगा अकाउंटिंग या फाइनेंस में। अच्छा इसमें से आप माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओपेक्स, ठीक है? यहाँ पे निकल आता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है? यहाँ से आप माइनस करते हैं इंटरेस्ट, नीचे निकल आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे आप लेस करते हैं टैक्स, और नीचे निकल आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ऐसे ही बनता है ना फाइनेंशियल। अच्छा अब जो जो यस मुझे सर। बताएं, जो डेट है इसका रिटर्न क्या होता है, डेट का रिटर्न क्या होता है, डेट होल्डर को क्या पे करते हैं आप? इंटरेस्ट पे करते हैं लोन इंटरेस्ट इंटरेस्ट का, या इंटरेस्ट पे करते हैं ना लॉन्ग टर्म लोन पर, आप शॉर्ट टर्म पे तो नहीं पे करते, लॉन्ग टर्म पे करते हैं। और इसी तरह आपके पास जो इक्विटी है, इक्विटी होल्डर को क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड। जी मिस इधर तक कोई मसला है? नो सर। तो अगर आपने आर ओ सी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता ना आपके लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी बोलते हैं, तो अगर आपने इसका रिटर्न निकालना हो तो आप कहाँ से निकालेंगे, इस वैल्यू से निकालेंगे? इससे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डेट का जो है रिटर्न है वो शामिल नहीं है। डेट का रिटर्न इसके ऊपर के स्टेज से निकल चुका है, यानी इंटरेस्ट निकाल कर ये वैल्यू आई है ना। यस इसका मतलब है कि आपने जब कैपिटल एम्प्लॉयड का यानी आरओसी जब फाइंड करना है ना, तो आप ये वैल्यू यूज नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये कि इसके अंदर इक्विटी का तो रिटर्न है, यानी इसके बाद डिविडेंड मिलना है, लेकिन इसमें डेट का वो आपके पास रिटर्न नहीं है। सो आरओसी को हमेशा किस तरह फाइंड करेंगे आप, पीबीआईटी से, क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसके अंदर अभी इसमें से इंटरेस्ट भी नहीं निकला, अभी डिविडेंड भी नहीं निकला, तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट का भी वो शामिल है, रिटर्न शामिल है, और आपके पास इक्विटी का रिटर्न भी शामिल है, राइट? तो इसलिए ना आप ये इसको आरओसी को पीबीआईटी लिखते हो। सेम लॉजिक ऊपर भी आ रही है, ये तो थी ना बुनियादी कॉन्सेप्चुअल आपकी, जो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेम लॉजिक यहां पर भी आ रही है। मिसाल के तौर पे आपने ईपीएस निकालते हुए ऐसे कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड उड़ा दिया और ऑर्डिनरी डिविडेंड भी उड़ा दिया, और नीचे ऑर्डिनरी शेयर। अब मुझे बताएं कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपने उड़ा दिया, तो नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड के जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो आपने लिए, लॉजिकली बनता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड निकला हुआ है, नीचे प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं आ रहे, तो
तो अगर आप ऑर्डिनरी डिविडेंड में निकाल दें तो क्या आप नीचे ऑर्डिनरी शेयर्स को से डिवाइड कर सकते हो? नो सर, नहीं कर सकते। उसकी एक लॉजिक है, उसकी लॉजिक क्या है कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं ना, ये ट्रू ऑनर्स होते हैं कंपनी के। क्या होते हैं जी? ट्रू ऑनर्स। इनका हिस्सा जो आप डिविडेंड रिटेन करते हैं ना, यानी जो रिटेन अर्निंग जिसको आप बोलते हैं, इसके ऊपर भी होता है। और जो ऑर्डिनरी डिविडेंड देते हैं ना, इसके ऊपर भी होता है। बात समझ आई? ये भी, इसका मालिक भी कौन होता है? ये। और इसका मालिक भी कौन होता है? ये। तो अगर आप ईपीएस के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकाल दें, साथ ऑर्डिनरी डिविडेंड भी निकाल दें, तो फिर जो ईपीएस निकलेगी ना, ये न्यूमिनेटर, ये इस फॉर्मूले से, वो इनकम्प्लीट यानी इनकोरेक्ट होगी। वो ट्रू नेचर को रिफ्लेक्ट नहीं करती होगी, क्योंकि उसमें से आपने ऑलरेडी ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का आधा रिटर्न निकाल दिया है। तो रिमेनिंग रिटर्न के ऊपर आप ईपीएस कंप्यूट नहीं कर सकते, वो उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती। बात समझ आई? सो दिस इज द लॉजिक कि आप क्या करते हैं, यस ईपीएस कंप्यूट करते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस नहीं करते। कि ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट था, यानी ये कॉन्सेप्चुअल चीज थी जो कि आपको अगर समझ आ गई तो इनशाला आपको ये कभी भी स्टैंडर्ड जो है वो हिलेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज इनशाला हम एक एक ही टॉपिक, यानी बोनस इशू शुरू करते हैं। बोनस इशू को डिस्कस करके वो क्लोज करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वो स्टूडेंट्स का कुछ इशू था, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर सके। अच्छा जी, बोनस इशू क्या होता है जी? मिस नायाब, ये क्या होता है बोनस इशू? सर, ये बोनस शेयर की बात हो रही जी है, मिस, जो बोनस शेयर्स आप इशू कर रहे हैं। राइट? सर, ये शेयर्स हम लोग इशू करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उनको, जी, ये बेसिकली ये इन होता अ है कि, टर्म ऑफ जी बिल्कुल, बेसिकली ये होता है कि आप विदाउट कंसिडरेशन क्या करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शेयर्स इशू। और ये किसको करते हैं जी? आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं, ठीक है? इसके पीछे मोटिव ये होता है कि समटाइम्स कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो शेयर होल्डर्स को ना बोनस इशू कर दे देते हैं, ताकि वो कंपनी के उस शेयर को ना मार्केट में ट्रेड करके ना पैसे अपने पूरे कर लें। सिंपल सिंपल सी बात है ये। आप कंपनी लॉ का सेक्शन जो जो है 60 समथिंग है, मुझे जहन में नहीं आ रहा, वो डील करता है इससे। 70 समथिंग है, सॉरी, वो इसको करता है। और साथ आपका जो 242 सेक्शन है उसके अंदर भी लिखा है, और लिस्टिंग रूल्स के अंदर भी लिखा है कि आपने ये बोनस इशू कर सकते हैं। स्पेशी डिविडेंड बोलते हैं इसका दूसरा सर, नाम होता है, स्पेशी स्पेशी डिविडेंड। जी मिस पूछें। सही क्वेश्चन था सर। आप विदाउट कंसिडरेशन बोल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो डिविडेंड की जगह पे दिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, कंसिडरेशन कुछ तो है ना पैसे पैसे तो नहीं ले रहे ना, कंसिडरेशन इज कि सर। आप बट पैसे कंसिडरेशन नहीं। लाइक मिस मीन कैश आप मीन ना छोड़ एक सर मिनट रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं। अभी हम इसके कॉन्सेप्चुअल सर डिस्कशन में जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी ये हुआ क्या यहाँ पे। राइट जी सर, जी राइट मिस सर। पूछें। सर, ये हर जगह पे होता है कि कंपनीज का प्रॉफिट जब ज्यादा हो जाता है तो कंपनी वो मतलब रिवार्ड के तौर पर दे रही होती है अपने शेयर होल्डर के लिए, वो बोनस इशू है, तो बिल्कुल, फिर ये चीज हर जगह आवाज कट रही ही है। दिए जाते हैं कि डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है तो बोनस शेयर ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी मिस, सर, तो ये वहां पर फिर कंसर्न तो नहीं होता ना कि नहीं, नहीं हम होता विदाउट कंसिडरेशन है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपका डील कर रहा होता है सेक्शन 242, ये डिविडेंड का सेक्शन है जो कंपनीज एक्ट के अंदर है। ये पढ़ा जाता है लिस्टिंग रूल्स के साथ, ठीक है? जो आपकी कंपनी लिस्टिंग कंपनीज के रूल्स है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप अपने इंप्लॉयज को ना बोनस इश्यू दे सकते हैं। बात समझ आ गई? वो जो आप कह रही है ना कि जो उनको ड्यूरिंग द ईयर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। और दूसरा जो होता है, जो और आखिर में देते हैं, वो फाइनल डिविडेंड। जी मिस, फाइनल डिविडेंड वो फाइनल डिविडेंड सर, होता ये है। वो बात नहीं कर रही सर, वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जैसे इन्होंने बोला कि जब आपने बोला कि जब कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए अमाउंट नहीं होती ठीक तो तब वो है, बोनस शेयर इशू करते बिल्कुल डिविडेंड की जगह पे सर। बिल्कुल, लेकिन हर जगह पे ऐसे नहीं होता, कहीं पे कंपनी का जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो कंपनी डिविडेंड देने के बाद भी अपने जो बिल्कुल उसकी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बोनस शेयर इशू करती है। बिल्कुल ऐसा होगा। हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा।
आप कहना क्या चाह रही हैं? कोई क्वेश्चन आप ऐसे बता रही थी? सर ये इन्होंने पूछा ना कि आपने बोला कि वो डिविडेंड की जगह पे ही है, तो वो डिविडेंड की जगह पे दे रहे हैं क्या? आपने बोला विदाउट कंसीडरेशन, तो वो जी उसकी जगह जी पे, मैं इस चीज का आंसर दे रही थी कि हर जगह पे वो, मतलब वो तो जैसे अभी उस तरह से अगर दे रहे हैं तो फिर तो ये कंसीडरेशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि नहीं, होती वो भी वो विदाउट डिविडेंड की कंसिडर, जगह नहीं मिस, होती, देखें, होता वो भी विदाउट सर होते कंसिडरेशन ही। विदाउट कंसीडरेशन। हाँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये होता विदाउट सर कंसिडरेशन होते है। विदाउट हाँ जी, कंसीडरेशन ही है, लेकिन हर जगह पे डिविडेंड की जगह पे नहीं दिए जाते नहीं, हैं। डिविडेंड के तौर पे दिए जाते हैं ना, जो बोनस इशू किया जाता है वो डिविडेंड के सर तौर समझ पे आ किए गया, जाते हैं। आपकी बात समझ आ गई जो बोनस इशू भी किया जाता है ना, आप जो कह रही हैं कि कंपनी का जी। प्रॉफिट अच्छा होता है, और वो भी एज अ डिविडेंड ही उनको दिया जाता है। उसकी ट्रीटमेंट जितनी है ना टैक्सेशन, वो सारी डिविडेंड की तरह होती है। टैक्सेशन भी और अकाउंटिंग भी दोनों डिविडेंड की तरह होती हैं। बात समझ आई सर जी? मुतमईन है? चले आगे। ठीक जी सर है मिस। अच्छा जी, अच्छा, अब बिलफर्ज आपने ना कोई बोनस इश्यू किया है, मिसाल के तौर पे जो हमने उस दिन का एग्जांपल क्रिएट की थी कि सपोज करें कि आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो है 6 लाख, ठीक है? आपने, आपके जो साल के शुरू में शेयर थे ना, वो थे फॉर एग्जाम्पल 1 जैन पे थे 1 लाख, ये रहे 5 महीने, ठीक है? 5वें महीने में, यानी 6ठे महीने में आपने क्या किया, आपने ना बोनस इशू कर दिया, 10% बोनस इशू कर दिया। 10% बोनस इशू का मतलब ये होता है कि जिसके पास 10 शेयर थे ना, उसको 1 शेयर और दे दिया, यानी 11 दे दिया। जिसके पास 1 शेयर था, उसको 0.1 शेयर और दे दिया। जिसके पास 100 शेयर थे, उसको 10 शेयर और दे दिए। तो आपके पास आप टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 110, ठीक है? 1,10,000 शेयर हो जाएंगे इंटू 7/12, ठीक है जी? इसका टोटल करने कितना आ रहा है? जी जल्दी जल्दी करें। हाँ जी, टोटल करें कितना, ये कैलकुलेट करें ना, नहीं आ रहा। सर ऊपर वाले का 4,16,67 कर दो और इसको, नीचे राउंड वाले अप का, किया नीचे उसको वाले का? सर 8 सेकेंड। सर 6,41,67 6, 7, और इसका टोटल करें? सर 10 5 8 3 7 जी, सर 37। अच्छा, ये वो, ये सपोज ये बोनस इशू है, राइट? अब आप ईपीएस कैलकुलेट करें। ईपीएस कैसे निकालेंगे? ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और नीचे ये वाले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। करें कितना आ रहा है ईपीएस, कितनी आ रही है? ये बोनस इशू है, याद रखिएगा, अभी हम बोनस इशू का केस स्टडी कर रहे हैं। सो 5.6 5.6। अच्छा, अगर अब आप, अगर आप फॉर एग्जांपल कंपैरिजन कर रहे हो, तो कैसे होगा? मिसाल के 2020 में भी ये प्रॉफिट था 6 लाख, और 2019 में भी क्या प्रॉफिट था? 6 लाख, ठीक है? यहाँ भी 6 लाख था, और यहाँ भी क्या था? 6 लाख। यहाँ पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1 लाख थे साल के शुरू पे। यहाँ पे कितने थे? ये सर 1 लाख थे सर, 1,10,000 1,005,800 थे। नहीं, ये अच्छा वेटेड हाँ एवरेज उस निकाले ना, सेंस क्लोजिंग कितने आ रही राइट है? यहाँ पे ईपीएस कितनी निकली? 5.6। यहाँ पे निकली 6। ये बताएं, ये क्या हुआ है जी? जब शेयर होल्डर को आप ये वाला सारा सिनेरियो दिखाएंगे, तो वो चीख नहीं मारेगा? ये सर जी मिस सवेरा, जी सर, पहले उसको ज्यादा डिविडेंड मिल रहा था, अब कम मिल रहा हाँ, पहले उसको लग रहा था कि उसको ज्यादा अर्निंग हो रही है पर शेयर, और अब उसको लग रहा है क्या हो रही है, कम अर्निंग पर जी। शेयर हो रही है। तो वो तो चीख मार देगा कि ये आपने क्या किया है, आपकी परफॉर्मेंस पहले से क्या हुई है, डाउन बुरी, हो गई डाउन हुई आपकी शायद, अब परफॉर्मेंस। फिर उसको कहेंगे कि उसके पास वो भी तो ज्यादा चलेगी ना।
नहीं सर, शेयर होल्डिंग भी ऐसे लगाना नहीं, नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता ना, आप पूरा सिनेरियो देखें, जब वो कंपैरिजन कर रहा होता है ना, कंपेरेबिलिटी आप देखें ना कि ये चीज शो कर रही है, देखिए ऐसे देखें से, ये चीज शो कर रही है ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो ये ऐसे देख रहे होगा कि पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी जी पर शेयर, वो कितना कमा रहा था, 6, अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 5.6, जी अर्निंग टोटल दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है, बात समझ आई जी राइट, ये बात समझ आई, यानी इंक्रीज इन शेयर, इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग की वजह से इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं हुआ बिल्कुल राइट, तो ये मामला होते हैं ईपीएस के अंदर कि जब आप बोनस इशू करते हैं ना, या विदाउट कंसिडरेशन जिसको बोलते हैं नॉट फॉर वैल्यू, वैल्यू और नॉट फॉर वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप नॉट फॉर वैल्यू इशू करते हैं ना, तो उसमें इस तरह के मसाइल आपको नजर आते हैं, तो इस तरह के जब इश्यू होते हैं ना, तो उसमें आपको फिर सिंपल जो टाइम अपॉर्चुनमेंट हमने ऊपर सीखी ना, 7/12 और 5/12, ये नहीं करनी होती, इसमें सिर्फ टाइम अपॉर्चुनमेंट से काम नहीं चलता, ठीक है, इसके अंदर हम एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो क्या होती है, होती है बोनस फ्रैक्शन, क्या चीज होती है बोनस करेक्शन बोनस फ्रैक्शन, अब ये बोनस फ्रैक्शन क्या बला है, अब हम दोबारा से अपनी कैलकुलेशन को ठीक तरीके से करते हैं, तो गलत तरीके से, अब हम ठीक तरीके से करते हैं, अब आप इसको गौर से देखिएगा, अच्छा 1 लाख शेयर थे, ठीक और 5/12 यानी 5 महीने आउटस्टैंडिंग रहे, ठीक है, इसी तरह आपके पास 1,10,000 शेयर थे कि 10,000 का बोनस इशू हुआ है, इनटू 7/12, अच्छा इससे पहले ना एक और चीज समझें, ये था जी 2020 का सिनेरियो, क्या था जी 2020 का सिनेरियो, अच्छा जब इस तरह बोनस इश्यू होते हैं ना, बोनस इश्यू से क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, ये खुद आप गौर से देखेंगे, क्या इशू क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, जिसके पास 1 शेयर था उसके पास कितने हो गए होंगे, 1.1, जिसके पास जी 10 थे उसके पास 11, जिसके पास 100 थे उसके 11 हो गए होंगे, पास 100 110 110 हो गए होंगे, हजार, यानी हर एक के पास 10-10% क्या होगा, इंक्रीज आ गया होगा, ऐसे ही होगा ना, 10-10% क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा ना, जल्दी जल्दी बोले यार, टाइम नहीं है ज्यादा, अच्छा इस केस में फिर क्या होगा, बोनस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू शेयर होल्डिंग प्रेजेंट शेयर होल्डिंग जमा परसेंटेज इंक्रीज, प्रेजेंट शेयर होल्डिंग कितनी थी, सपोज करें 10% थी, तो न्यू कितनी हो गई होगी, 1%, सॉरी 100% थी, न्यू कितनी होगी, 10%, टोटल कितना आ जाएगा, 110% न्यू शेयर होल्डिंग ये हो जाएगी, 110% की, यहां तक किसी को एतराज, जी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, जल्दी बोले यार, बहुत स्लो हैं आप लोग, हेलो आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है, दीवार से टकरे मार रहा हूँ, हेलो आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है, क्या हो गया यार, मैं सांप सूंघ गया, जी आवाज आ रही है, चलें हेलो आवाज आ रही है, ये सर भाई है, अब आई है, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, चलिए अच्छा सो ये कब से लाइक कर रही है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा जी जो प्रेजेंट शेयर होल्डिंग जो न्यू निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है वो 100% है ना, और जो जितना परसेंटेज इंक्रीज आया है 10%, तो अब नई शेयर होल्डिंग कितनी होगी, होगी हर बंदे की
110% होगी होगी, 110%। इसको अब अच्छा इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 110% डिवाइड बाय 100, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। यस सर 1.1। इसको 1.1 भी लिख सकते हैं, बेहतरीन हो गया, 1.1 भी लिख सकते हैं ना। तो अब जब बोनस इश्यू होता है ना, जब नॉट फॉर वैल्यू इशू होता है, तो आपने क्या करना होता है कि जिस टाइम से नॉट फॉर वैल्यू इशू आ रहा है ना, उससे ऊपर यानी उससे ऊपर जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं ना, उन सबको इस बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाली जो फ्रैक्शन आपने निकाली है ना, इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप 2020 को भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे ऊपर 2019 भी कंपैरिजन में आ रहा है ना, उसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 1,00,000 इंटू 12 बाई 12 इंटू 1.1। अब आंसर निकालें जी दोनों के, तीनों के। ये तो सिंपल 1,10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये निकालें जी कितना आ रहा है सर, 4,5,833। और ये नीचे वाला, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना 1.1 से? नो मिस, इससे ऊपर वाले को करते हैं, इसको नहीं, ये तो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है ना, इसमें 10% का इंपैक्ट शामिल है। ओ यस सर, सर 64166 कर देना। इसका टोटल क्या आ रहा है, इसका टोटल क्या आ रहा है, सर इसका टोटल कितना आ रहा होगा, सर इट्स 1,10,000। 1,10,000 आ रहा है, इतना आ रहा है। यस सर। अच्छा अब देखें अब क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, दोबारा से जी वापस दोनों सालों के कैलकुलेशंस करें आप, वापस इस कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। मिस सवेरा की बात अभी मैं आपको समझाता हूँ, बोल के समझ नहीं आया होगा आपको जी। यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोबारा से देखिए, अगर हम पुरानी सिचुएशन को दोबारा रीअसेस करते हैं, 1,06,00,000 ये आ गया, यहाँ भी 6,00,000 आ गया, यहाँ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1,10,000, और यहाँ भी कितने हैं, 1,10,000। ईपीएस कैलकुलेट करें कितनी है दोनों केसेस में, अब बताएं, अब मैनेजमेंट देख के चीख मारेगी इसे? नो सर। नो, क्योंकि उसको क्या लग रहा होगा कि दोनों साल परफॉर्मेंस क्या हुई है, परफॉर्मेंस क्या दोनों साल सेम रही है, क्या रही है, सेम रही है। बात समझ आई जी? मिस सवेरा बात समझ आई? आप पूछिए सवाल। आप सर ये फिर बोनस शेयर जो है इनका, तो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या बेनिफिट? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखे ना आपकी इस क्लास में आने से ये बरकत खुल जाती है, बाकी बच्चों का फायदा हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे उसके पास 10,000 शेयर थे, राइट, शेयर इशू किए क्यों जाते हैं, पहले आप ये देखें इसकी लॉजिक जाके देखें। शेयर इशू इसलिए किए जाते हैं, बोनस इशू जब आपके पास डिविडेंड देने के पैसे नहीं होते, या सेकेंड केस के अगर प्रॉफिट अच्छा किया तो बोनस इशू दे देते हैं, कि वो बंदा क्या करे, इन शेयर्स को ना मार्केट में बेच दे, क्योंकि ये आपको पता है ना ईपीएस का हमने जब परसों स्कोप पढ़ा था, तो हमने कहा था लिस्टेड कंपनीज के केस में अप्लाई होता है, यानी ऐसी कंपनीज जिनके शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, राइट। तो ये इसको क्या कर दे, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या कर दे, बेच दे, और बेच के क्या कर ले, पैसे ले ले, डिविडेंड ना ले बल्कि क्या कर ले, शेयर बेच के क्या कर ले, पैसे ले ले। तो जो उसके जो 10,000 नए शेयर आए हैं ना, ये इनको मार्केट में बेच कर क्या कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। यस ठीक है, ईपीएस का ये टॉपिक समझ आ गया आपको विदाउट कंसिडरेशन जी? दिस इज फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे जो हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। ये इतना ही था, ये बेसिक ईपीएस जो थी ना, इसमें एक शेयर कंसोलिडेशन और शेयर स्प्लिट रह गया, सेम लॉजिक है, सिर्फ रिवर्स करना है चीजों को, तो हम कल इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। टैक्सेशन शुरू करते हैं, मिस सवेरा बिल्कुल अभी ज्वाइन करें आप लोग, मैं अल्लाह हाफिज। ओके मिस, अल्लाह हाफिज।